सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम अपने सभी जो पशु हैं, हीफर्स, गायें, बुल्स, सबकी जो है मुंह खोर की वैक्सीन कर रहे हैं आज। तो इधरली साइड कल हो गई थी सबकी वैक्सीनेशन मुंह खोर की, तो इधरली साइड आज जो है वैक्सीनेशन हो रही है। ते बिल्कुल गर्दन दे सेंटर च लग रही है डीप एंट्रा मस्कुलर। नाल नाल इन्हां नूं जिहड़े आ सब कट 5-5 ml जिहड़ा स्टिमेट इंजैक्शन लग रहा मिनरल्स दा। और जे आपको क्लियर बता देते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन जो है हो रही है, जे डीप एंट्रा मस्कुलर और साथ में जे मल्टी मिनरल इंजेक्शन लगा रहे हैं विटामिन का, स्टिमवेट सब कट लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमने इन सभी हीफर्स की गाय की जो AI है वो करनी है, तो इनके जो मिनरल वगैरह वो पूरे हो गए और जो गब्बन है वो जल्दी हो। साथ में इनको हम 50 ग्राम जो है अलसी दे रहे हैं ताकि ये जल्दी तो जल्दी गब्बन हो, क्योंकि हम सभी हीफर्स को जो है सेक्सीमन लगवाएंगे, तो जो सेक्सीमन होते हैं वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होता है सेक्सीमन का, तो एक ही शॉट पे एक ही सेक्सीमन से जो हमारी हीफर है वो गब्बन हो, इसलिए ये सब जो है हो रहा है। मिनरल्स के भी इंजेक्शन दे रहे हैं, अलसी भी इनको 50 ग्राम दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आज कर रहे हैं वैक्सीनेशन मुंह खोर की, माउथ एंड फुट डिजीज, और इसके साथ हम कर रहे हैं ट्रायोवैक। इसके साथ में आती हैं फुट एंड माउथ डिजीज प्लस हेमोरेजिक स्पेक्टिसीमिया ब्लैक वाटर डिजर्वलेंट वैक्सीन। इसका मीनिंग है फुट एंड माउथ होती है मुंह खोर, और जो दूसरे नंबर पे है वो है गलघोंटू, और तीसरे नंबर पे है पट सोज, यानी मसल यहाँ वो फूल जाते हैं वो उसकी है, ये उसको पट सोज बोलते हैं, ब्लैक वाटर। और ये तीनों वैक्सीन एक बार कर देते हैं हम, 6 मंथली करते हैं ये वैक्सीन, बहुत लोग क्वार्टरली 4 मंथली करते हैं, हर तीन बार पर ईयर तो कुछ करते हैं 4 बार पर ईयर, 3-3 महीने बाद, लेकिन हम 6 मंथली करते हैं। हर फार्म का अपना अपना प्रोटोकॉल है, हमारे फार्म का यही प्रोटोकॉल है। आफ्टर एक बार ये कर देते हैं, एक बार साल में हम सिंगल डोज कर देते हैं खाली फुट एंड माउथ, ये दोनों जो नीचे वाली हैं ये चल जाती हैं पूरा साल। और साथ में हम दे रहे हैं मिनरल, क्योंकि इसके बाद हमारे AI चालू हो जाएगी, जब ये स्ट्रेस खत्म होगा तो इनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चालू हो जाएगी, AI शुरू हो जाएगी गाय की, तो इसलिए हमने सोचा 200 गाय कहाँ बांधते फिरेंगे, तो इसलिए मैंने साथ में ये मिनरल भी दे दिए। तो अभी 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद AI शुरू हो जाएगी, प्रोटोकॉल लगने चालू हो जाएंगे, ये रिपीट रहे हैं सब, इन सबको ये तो रिपीटरों को चालू हो जाएगा, साथ में जो गाय हीट में आएगी मिल्किंग जो फ्रेश है उधर गाय उनको भी चालू हो जाएगी। साथ में हम कर रहे हैं स्टेम वेटन चिलेटेड मिनरल्स मल्टी मिनरल इंजेक्शन, ये है जिंक मैंगनीज एंड कॉपर 3, और इसका फायदा हम ये ले रहे हैं कि गाय को तो बांध ही ले रहे हैं, मैंने सोचा ये साथ में ही कर देते हैं, एक तो स्ट्रेस जल्दी शायद कम होगा कि मिनरल पूरे हो जाएंगे, दूसरा इसके बाद हमने AI शुरू करनी है तो ये दोनों काम हमारे हो जाएंगे, ये इसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, साथ में मिनरल भी तब तक पूरे हो जाएंगे 5-7 रोज में, प्रेगनेंसी की दर है वो बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया है साथ में, तो अगर किसी का मिनरल कम होगा तो ये पूरा कर देगा, ऐसे भी इतना महंगा नहीं है तो सस्ते में काम चल रहा है, और लेबर की भी जो काम है वो भी कम हो जाएगा। एक तीर में 2 निशाने कर दिए हैं, और साथ में हम ये कर रहे हैं, आपने बता ही दिया इसके बारे में सारा कुछ।
तो ये वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों है, हम सबको बता देते हैं इसके बारे में। वैक्सीन इसलिए जरूरी होती है कि अगर ये डिजीजें, अगर भगवान ना करे कभी इनका आउटब्रेक होता है तो इतने एनिमल को तो मेडिसिन ही नहीं हम दे पाएंगे, और इसकी कोई मेडिसिन होती नहीं है जब ये डिजीज आ जाती है। तो डिजीज तो उससे अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इलाज से ये प्रिवेंशन अच्छी है, तो इसलिए हम ये वैक्सीन करना ही बेहतर समझते हैं, और सभी फार्म करते ही हैं ये, और जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर ये डिजीज कहीं आ जाए, भगवान ना करे कभी आए, अगर आ जाए तो बहुत ही डैमेज कर देती है, मीन्स वो पशु किसी काम का नहीं रह जाता है, और जो फार्म है वो लॉस में जाना उसका तय ही है, वो जाते ही हैं लॉस में फिर, क्योंकि दूध ख़त्म हो जाता है, दवाई लगना चालू हो जाता है। तो इससे बचें जितना हो सकता है, और वैक्सीनेशन टाइम पे करें। हम करते हैं मई में और दिसंबर में दो बार, तो आप भी अपना अपना ऐसे प्रोटोकॉल चुन सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये वन ऑफ दी कंपल्सरी चीज़ें हैं जो फार्म पे हमने करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इधरली साइड पे भी जो हमारी वैक्सीनेशन है गाय की हो रही है, तो इसका कितना डोज हम लगा रहे हैं इसके ऊपर भी एक जड़ी बात है, वो कर लेते हैं। इसके ऊपर भी एक जरूरी बात है कि हम कितनी डोज अपनी गाय को जो है, डोज हम ऐसे देते हैं 3 ml इसकी डोज है। लेकिन ये देखो, जब हम सिरिंज नजदीक लाना प्लीज, जब करते हैं तो ये देखो इतना खाली रह जाता है जब भी, तो इतनी दवाई जो है बीच में रह जाती है सिरिंज के। तो हम थोड़ा इसको, अब मैं बताता हूँ कैसे हम करेंगे, जैसे इस पे ले लेंगे और जितनी हमको पता है कि उतनी वो रह जाएगी, तो हम 3.5-3 पे ये कर देते हैं, और अब ये इतनी है, और ये इतनी 3 मतलब बिल्कुल 3 ml चली जाएगी उसके अंदर, तो बाकी जो है वो इसी में रह जाएगी। तो हम 3.25 कर सकते हैं, ये देखिए 3.25 से ये है कि जो फालतू हमने भरी है वो सिरिंज में ही रह जाएगी। तो कोई भी जो और एक बात मैं जरूरी आपको जो बताना चाहता हूँ, ये जब हम वैक्सीन करते हैं तो क्या लोग हम क्या करते हैं कि फ्रिज से वैक्सीन लाई, 10-20 एनिमल को लगानी है तो हम ऐसे जेब में पकड़ के रख लेते हैं या टेबल पे, तो इसको टेबल पे नहीं रखना है, ऐसे आइस में रखना है, ताकि जब तक हम उसको लगा नहीं देते हैं उसका टेम्परेचर वही रहना चाहिए। तो जब हम बॉडी में गाय के जब भी एक्टिव हो, तो उसकी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो जब हम उसको लगा देंगे, मीन्स पहले एक्टिव नहीं, मस्कुलर लगानी है तो मसल के अंदर जाके ही एक्टिव हो, तो यहाँ एक्टिव ना हो, इसलिए ये इसको मेंटेन करने के लिए रखा है। आपने देखा जब भी मैं इसको फिल किया, ये जब भी मैं फिल करता हूँ उसको बाद में फिर इसको बर्फ में रख देता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मैं मिनरल के भर के रख रहा हूँ, इसको नहीं रख रहा हूँ भर के, और उसकी वजह यही है कि 10 ml लगा रहा हूँ तो ये मैं भर के रख रहा हूँ, इसको नहीं रखना है क्योंकि इसका टेम्परेचर गिरना बढ़ना चालू हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि यहीं एक्टिव हो जाए, बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो, ये खास ख्याल रखना है। तो कई जगह वैक्सीन ऐसे भी फेल हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे जेब में डाल के ले आते हैं, तो जेब में डालने से ये फेल हो जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहीं बढ़ने पहली एक दो तो ठीक है, बाद वाली का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2-8 से 8 के बाद एक्टिव हो जाती है, तो ये नहीं करना है, ये सावधानी बहुत रखनी है आपने। नई सिरिंज और नया ये नया लगाना है यार को, तो इससे दूसरे का डिजीज भी स्प्रेड नहीं होता है। ये देखो ये जब आ रहा है तभी मैं इसको दे रहा हूँ, ये खास ख्याल रखना है आपने। सो ये जड़ी मूंग, ये जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं ये प्रेग्नेंट गाय के लिए भी सेफ है, और ये 3 महीने के ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये वैक्सीनेशन की जाती है। 3 महीने से छोटे बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं होती है, और प्रेगनेंसी सेफ वैक्सीनेशन है जी। थैंक यू। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।